गुड मॉर्निंग, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो प्रोटीन का रिव्यू किया था मैंने लास्ट संडे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है और रिव्यू करूंगा मैं जल्दी आगे और प्रोटीन के। आज कर रहे हैं पुश मूवमेंट, 6 रैप करेंगे आज, चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स। पिछले हफ्ते भी यही रूटीन फॉलो किया था, इस हफ्ते भी यही रूटीन फॉलो करेंगे। एक महीने 4 हफ्ते अब यही रूटीन फॉलो होगा। अगर आप करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं वाला रूटीन, जिम में जाके अपना वर्कआउट में कुछ इन्हांस करना चाहते हैं, कुछ पंप अच्छा चाहते हैं, तो ये वाला वर्कआउट आप कर सकते हो। बिगिनर भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट भी और एडवांस लेवल भी कर सकते हैं। तीनों के लिए अच्छा बेनिफिट देगा ये वर्कआउट, अच्छा पंप आएगा, अच्छी आपकी मसल हफ्ते पूरे हफ्ते अच्छी रहेंगी, अच्छी सोरनेस आपको फील होगी और मसल भी थोड़ी बहुत गेन कर ही लोगे जब इतनी एक्सरसाइज करोगे, डाइट फॉलो करोगे। तो इन्जॉय कीजिए। अब मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ, फिर बाहर चलते हैं, फिर करते हैं वर्कआउट। चेस्ट करने से पहले अपने जो शोल्डर है इनको अच्छे से रोटेट कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि जो शोल्डर का जो जॉइंट है उसको अच्छा मोबाइल आप करोगे तो रियर डेल्ट, आपकी चेस्ट अच्छे से पंप रहेगी, तो आपको क्या होगा कि इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपके जिम में भी अगर ऐसा कोई पोल हो, ऐसा कोई डंडा हो स्ट्रेट, उसको अच्छे से आप रोटेट करो, पहले क्लॉकवाइज मतलब आगे पीछे, और फिर आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, ऐसे हाथ में उल्टा पकड़ के और इस तरीके से भी मूव कर सकते हो आगे पीछे, बहुत अच्छा रहेगा। आपको कभी शोल्डर पेन की इंजरी नहीं हुई। बहुत बार होता है डंबल प्रेस करते हुए, चेस्ट प्रेस करते हुए क्या होता है कि लोगों के शोल्डर में पेन आने लगता है, तो अगर शोल्डर में पेन नहीं करना है कभी, अच्छे से स्ट्रेचिंग जरूर करें। जैसे मैं हर वीडियो में अपनी स्ट्रेचिंग तो आपको दिखाता ही दिखाता हूँ, चाहे कैसा भी वर्कआउट। तो उद्देश्य ये है कि आप देख के कुछ सीखो। हमेशा पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी ही करनी है, चाहे कोई भी आप वर्कआउट करो, स्पेशली चेस्ट में। जब चेस्ट आप कर रहे हो तो शोल्डर पे काफ़ी लोड आता है, तो करनी है, लेग से पहले करनी है। जब स्ट्रेचिंग आप करने लगते हो तो आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है यानी डेप्थ बढ़ जाती है किसी भी मूवमेंट की, मसल पे अच्छा फील कर पाते हो, मसल माइंड कनेक्शन बढ़ जाता है और आपको वर्कआउट करने में मज़ा आता है, एक अलग एनर्जी का एहसास होता है आपको जब आप स्ट्रेचिंग करने लगते हो। स्ट्रेचिंग जरूर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में आज भी और आज से 10 साल बाद 20 साल भी वर्कआउट करना है तो लगातार स्ट्रेचिंग करते रहिए, इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और रिकवरी करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर कभी इंजरी हो जाती है। आज की खास बात यह है कि आज जिम में कोई नहीं है जब मैं वर्कआउट स्टार्ट करूँ, सबसे बढ़िया बात है, एक दो आदमी है बस, सबसे अच्छी बात है, कोई शोर शराबा नहीं, आराम से वर्कआउट फॉलो करेंगे, मसल माइंड कनेक्शन करेंगे। डंबल लिफ्ट कम से कम करूँगा आज, क्योंकि डंबल में फिर वही रिस्ट में पेन आता है, सारी एक्सरसाइज बार से ही करूँगा, इसलिए मैं थोड़ा चेंज कर दूँगा वर्कआउट में। आज बेशक मेरे 6 रैप है, मुझे हैवी लिफ्ट करना है क्योंकि 6 रैप करने हैं, बट फिर भी मैं आज ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल लास्ट तक नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा वेट को कम ही रखूँगा और जो मोमेंट है वो स्लो करूँगा, रेंज ऑफ मोशन डीप रखूँगा और जो प्रेसिंग मूवमेंट और नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों स्लो करने की कोशिश करूँगा, मसल को और माइंड को कनेक्ट कर दूँगा।
लास्ट क्रंचेस करनी है मैंने बॉल पे पैर रख के ऊपर, आर्च बना रहा था लोअर बैक में अच्छे से और उसको बार बार फिल कर रहा था, 100 किए स्लो, आज वेटेड एब्स नहीं किए हैं। बाकी जो एक्सरसाइज करी है वो सब मैंने एक एक सेट ही रिकॉर्ड किया है उसका, आज अपने एक्सरसाइज पे ध्यान लगा रहा था, रेंज ऑफ मोशन पे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको वीडियो में, वही 3 से 4 सेट किए हैं और 4 एक्सरसाइज चेस्ट की है, 3 शोल्डर की और 2 करी है ट्राइसेप्स की, 9 एक्सरसाइज करी है टोटल। और उसके बाद अब एब्डोमिनल कर रहा हूँ, इतना ही वर्कआउट कर रहा हूँ आज, बाकी एनर्जी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, अच्छा रहा वर्कआउट ओवरऑल। अब बस करके घर चलेंगे, घर जाके खाना पीना अपना। तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएं, और प्रोटीन का रिव्यू कर दिया जाके देख सकते हैं, नया प्रोटीन का रिव्यू आने वाला है आप सभी के लिए, तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे जिम करने के लिए, योग करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।